मदर टेरेसा पर दिए गए संघ प्रमुख के एक बयान से विवाद पैदा हो गया है। मोहन भागवत ने मरीजों की सेवा के लिए मदर टेरेसा की तारीफ तो की, लेकिन सेवा के मकसद पर सवाल उठाए। भागवत ने कहा कि मदर टेरेसा की सेवा के पीछे धर्म परिवर्तन की भावना थी। मैं कहता हूं मदर टेरेसा जैसी सेवा यहां नहीं, सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहां, लेकिन पीछे उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। कोई किसी को ईसाई बनाया चाहे ना बनाया चाहे उसका प्रश्न है, परंतु सेवा की आड़ में वो किया जाता है तो उस सेवा का अवमूल्यन हो जाता है। मदर टेरेसा पर दिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की विरोधियों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उनका कहना है कि मदर टेरेसा किसी एक धर्म की नहीं बल्कि सब धर्मों के लोगों की सेवा करती थी। मदर टेरेसा सिर्फ ईसाइयों के, सिर्फ क्रिश्चियन के नहीं माँ थी, पूरे विश्व के रोल मॉडल थी मदर टेरेसा। और अब पूछना है, ये जो ऑक्शन सूट साहब खाकी शॉर्ट्स वालों को क्या कहेंगे? कंडेम कंडेम कंडेम। आरएसएस से तो आज से नहीं, जब से उसकी पैदाइश हुई है, जब से उसका जन्म हुआ है, तब से लगातार समाज में घृणा पैदा करने का काम उसने किया है, और कोई ऐसा मौका वो नहीं छोड़ते हैं जिससे समाज में विभाजन हो। और मदर टेरेसा के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना या इस तरह का विचार रखना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। देखिए, आरएसएस के लोग बहुत ही उलझुल टिप्पणियाँ रोज कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इन संगठनों को, उनसे जुड़े हुए लोगों के जो बयान आ रहे हैं उन पर रोक लगाएं।